विधानसभा उपचुनाव 2022 के सफल संपादन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर चंपावत विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण जनपद में आचार संहिता एवं धारा 144 लागू कर दी गई है। चुनाव की तैयारी के लिए सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न करने की हर संभव कोशिश रहेगी। आपको पता है 2 मई की साइंस इलेक्शन जारी हो चुका है, हमारे स्तर से भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। धारा 144 जनपद में लागू है और हमारे द्वारा सारी टीम्स, नोडल्स, FST, SST, बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और चेकिंग, और हमारे नोडल ऑफिसर्स, स्वीप ऑफिसर्स सभी तैनात कर दिए गए हैं। हमने कल सभी जनपद अधिकारियों से मीटिंग कर ली है, आज हमने प्रेस मीटिंग भी कर ली है और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग है और इलेक्शन कमीशन भी लगातार समीक्षा कर रहा है। तो हम पूरा जनपद फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के